क्या व्यू है सुबह सुबह का। सुबह सुबह सारे लोग अपने टेंट बांधते हुए निकल रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी अभी होने को आई है। रात को ये वाला सारा एरिया कवर था टेंट से। अभी कुछ ही टेंट है जो कि अभी भी लोग पैक कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। मस्त मुंह धो के अभी आए हैं ठंडे ठंडे पानी से और अब चाय पीते हैं, चाय बनाते हैं। पीकर हम थोड़ा बहुत और घूमेंगे, वहाँ से नहीं घूमे हैं अभी, वहाँ से घूमते हैं और उसके बाद निकलते हैं घर। और सुबह ये ब्यूटीफुल व्यू आप देखें, जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैंने कहा था अफर रोड पे अभी भी बर्फ ऐसी ही है, इसलिए रात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। रात को हमने सिर्फ 3-4 घंटे ही अच्छे से नींद की है, ठंड इतनी थी ना कि बता नहीं सकते। अभी हम चाय पीते हैं और फिर जाते हैं, थोड़ा सा घूमेंगे उसके बाद हम घर निकलेंगे क्योंकि जितना भी एक्सप्लोर करना था हम ऑलमोस्ट कल ही कर चुके हैं, थोड़ा बहुत रह चुका है गंडोला साइड से बस। ये हमारे नेबर्स हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं, कल इन्होंने भी बहुत मदद की हमारी। अभी इतनी गर्मी हो रही है ना, अभी टी शर्ट भी ज्यादा लग रही है। बट एक बात है कि गुलमर्ग कैंपिंग के लिए अच्छी जगह नहीं है, यहाँ पे रहने ही नहीं देते। ये लोग भी टेंट पैक कर रहे हैं, हमने भी अपना टेंट पैक कर लिया, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। अब थोड़ा सा घूमेंगे, चाय तो हमने बनाई नहीं, हम ऐसे ही होटल से पी लेंगे क्योंकि हमारा मन नहीं था बनाने का आज। अब यहाँ से एक और रास्ता जाता है, वहीं से जाएंगे जो गंडोला के पास पहुँचता है। यहाँ पे इवेंट चल रहा था, आपको उन्होंने अभी सोने नहीं दिया। हॉर्स राइड के लिए घोड़ा होता है ऐसा। ओहो अभी हम जाएंगे चाय पीने, यहाँ पे चाय आधा आधा कप ले लिया। मस्त चाय वाय पीकर अब हम जाएंगे गंडोला की तरफ और फिर नीचे भी एक स्पॉट देखा हमने, वो देखेंगे फिर निकलेंगे घर। ये हमारी गाड़ी, यहाँ पे गंडोला। यहाँ से इसकी एंट्री है और यहाँ पे टिकट भी लेनी पड़ती है और वहाँ से गंडोला जाते हैं वहाँ से। ज़्यादातर भीड़ अफरवर्ड के लिए जा रही है। भीड़ देख रहे हैं आप, सारे लोग गंडोला राइड के लिए जा रहे हैं और हम जा रहे हैं वापस क्योंकि हमने बाहर एक पॉइंट देखा था, हम वहीं पर जाएंगे।
अब है गुलमर्ग को टाटा करने का वक्त। निकले हम गुलमर्ग से अपने घर की ओर। रास्ते में एक जगह रुकना है हमें, बस उसके बाद हमारा कोई स्टॉप नहीं होगा। वहां पे वो जगह है जिसकी मैं बात कर रहा था। जंगल देख रहे हो आप कितना घना है। ओए ऊपर वो जिप पॉइंट और नीचे कोई छोटा सा नाला बह रहा है। वहां से जा रहे हैं गुलमर्ग के लिए गाड़ी, और ये शायद से द्रंग जहाँ पर हम गए हैं, मगर विंटर्स में गए वहाँ पे। ये वही नाला है जो द्रंग जाता है। काले बादल छा गए, शायद बारिश होने वाली है। अब हम भी घर निकलते हैं। भाई जंगल देखिए कितना घना है। यहाँ पे जंगल में जाना अलाउ नहीं करते। काले बादल छा चुके हैं यहाँ पे, शायद से बारिश होने वाली है अब। और हम भी अब निकल रहे हैं, अब बारिश हो या ना हो एक ही बात है। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप डायरेक्ट घर है। इतना फास्ट चल रहा है, लेट्स गो। फाइनली वी आर बैक टू होम। थकान इतनी हो रही है ना। ऐसा लग रहा है जैसे पैदल गए थे गुलमर्ग, इतनी थकान हो रही है।